अस्सलामुअलैकुम। ये व्लॉग जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको स्टार्ट में अंदाज़ा हो तो गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस बारे में है। तो सोचा आपके साथ मैं ये सारी तैयारी शेयर करूँ। ये वाला जो केक थीम आप देख रहे हैं, ये उमर के बहुत प्यारे फैंस ने मुझे ख़ास ऑर्डर किया। मैंने पूरी कोशिश की कि उनके थीम के हिसाब से इस केक को सेट करूँ और रियली माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनाने की कोशिश की है। होपफुली उन लोगों को भी पसंद आएगा। और ये केक मैंने बनाया था क्योंकि ये उमर का वन ऑफ द फेवरेट केक और फ्लेवर है, क्योंकि 3 मिल्की केक उसको बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो एक जस्ट फॉर चेंज एक 3 मिल्की केक भी मैं बना लेती हूँ। ये 3 मिल्की केक की जो रेसिपी है, पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, केक मेरे दोनों ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इनको फ्रिज में रख कर ये जब तक ठंडे हो जाएंगे मैं ज़रा सी थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ, ताकि जो है उमर के आने के बाद कुछ ना करना पड़े, क्योंकि उसके आने में भी थोड़ा सा टाइम है। और इस तरीके से मैंने जो है वो एक कॉर्नर पर छोटा मोटा सेटअप कर लिया, इसमें हैंगिंग जो है वो बर्थडे बैनर लगा लिया। हैप्पी डन। हानिया कितना रह गया? अभी तो मम्मा शुरू किया है। मम्मा शुरू किया अभी। काफ़ी तैयारी हमने कर ली है और हम आपको बताते रहेंगे अभी साथ साथ कि अभी और कितनी तैयारी बाकी है। हो गया आनिया? बैठते तैयार। चलो बलून एक में सारे एक में मत लगाए मम्मा, और भी तो कितने। चल देखते बन गया। देखो लुक, देखो तो बल्ब। मामा थोड़ा सीट पे भी लगा दे। फाइनली सो गाइस, फाइनली प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। अब जस्ट वेट फॉर द राइट मैन। थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। लाइट तो है नहीं। अच्छा, मुझे उमर के लिए डबल पैटी जो है बीफ के बर्गर का भी मुझे उसको सरप्राइज करना था। उसको पता नहीं है बट मैं उसके लिए स्पेशल डबल पैटी बर्गर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी। जबरदस्त लाइट आ रही है। चलो उमर, चलो 1 2 3। एक और बाहर आ रहा है। आने दो, मसला नहीं।
ये मान के भाई माशाल्लाह माशाल्लाह तुम लोग एक बाइट में खा लेते हो माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी भाई, एंड थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छी बर्थडे और इससे अच्छा बर्गर बर्गर बनाया भाई हो नहीं सकता। रियली हाँ बर्गर बनाया, चलो इंशाल्लाह। दस नंबरी का बहुत मशहूर हो गया है यहाँ पर, वो खाया ना So चलो बस पसंद आ गया तुम लोगों को, मेहनत वसूल। तो आज खा के वाकई मैंने इतना टाइम लगाया खाने में, बट इट्स वर्थ इट, इट्स रियली वर्थ इट। चलें थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी, थैंक यू, चलो वेलकम काम, वेलकम। Thank you so much for this surprise on my special day. This is beautiful. Thank you.